ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। इस्लामिक गुलामी की बात करके क्यों नफरत फैलाते हो, क्यों नफरत फैलाते हो, क्यों नफरत फैलाते हो? आज कहाँ है गुलामी, आज कहाँ है गुलामी, आज कहाँ है गुलामी? पहले का जमाना ही ऐसा, पहले का जमाना ही ऐसा, पहले का जमाना ही ऐसा, पहले का जमाना। इसलिए इस्लाम में गुलामी का जिक्र और कायदे कानून मिलते हैं, कानून मिलते हैं, कानून मिलते हैं। आज के वक्त में तुम उसकी बात करके इस्लाम को बदनाम क्यों कर रहे हो, 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 बदनाम क्यों कर रहे हो? मेरा नाम बदीरा है। मैं 14 साल की थी जब इस्लामिक स्टेट ने मुझे पहली बार भेजा। उसके बाद उन्होंने मुझे 10 बार और भेजा। किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो, क्या चाहती हो, बस भेजा और बार बार भेजा। मैं एक यजीदी हूँ, मैं एक इस्लामिक स्टेट की लौंडी थी। मेरा नाम समर है। मेरी उम्र सिर्फ 10 साल की थी जब आईसिस ने मुझे मेरे परिवार से छीना था। कभी वो हमें जबरदस्ती कुरान पढ़ाते और कभी हमें जहर दी के मारने की कोशिश करते। आईसिस ने हमारे भविष्य का फैसला एक लॉटरी के जरिए किया। चाहो तो किसी जिहादी फाइटर की लौंडी बन जाओ या फिर मौत। मैंने 2 साल गुलामी में गुजारे। मैं एक इस्लामिक स्टेट की लौंडी थी। मुझे आज भी याद है कि मेरे शरीर की क्या कीमत लगाई गई थी, कितनी बार मुझे बेचा गया था, किस किस को बेचा गया था। मैं ये जुल्म कभी भी ना भुला पाऊंगी। मैं एक इस्लामिक स्टेट की लौंडी थी। हम अब सिंजार प्रोविंस में रहते हैं। आप सोचते होंगे कि अब सब ठीक हो गया है क्योंकि आईसिस ख़त्म हो चुकी है, मगर कुछ भी तो ठीक नहीं है। आज भी मेरी 2800 यजीदी बहनें लापता हैं। कौन जाने कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। आईसिस ने हमारा सब कुछ लूट लिया, हमारे घर चला दिए, हमें अपने माँ बाप से जुदा कर दिया, हमारे भाइयों को मार डाला और हमें लौंडी बना डाला। आखिर क्यों? क्या ये सब इस्लाम की वजह से हुआ? कोई बताएगा मुझे क्यों मेरे बूढ़े बाप को एक आईसिस के गुंडे ने मार डाला? क्यों मेरे बचपन को बर्बाद कर डाला? क्यों मेरी बहनों के होंठों से मुस्कुराहट छीन ली? क्यों क्यों क्यों? कौन जिम्मेदार है, कौन है जिम्मेदार? ये कहानियां किसी 7वीं सदी की नहीं बल्कि 2014 में ISIS के द्वारा हुए यजीदी लोगों के ऊपर अत्याचार की है। 2014, 8 साल पहले दुनिया ने एक खौफनाक और होलनाक मंजर अपने टीवी स्क्रीन पर देखा। एक काला झंडा, कलमा शहादा और तलवारें और AK-47 पकड़े हुए जिहादी। कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, कितनों के सर तन से जुदा कर दिए गए और कितनी ही औरतों को लौंडी बना दिया गया। कुछ सोर्सेस के मुताबिक सिर्फ 2016 में डेथ टोल 33,000 था। अब कौन जाने। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आईसिस हम यजीदी से इतनी नफरत क्यों करती है? शायद हमने उनके साथ भी ऐसे ही किया था, उनकी जमीन उनसे छीनी थी या फिर उनकी बहन बेटियों को गुलाम लौंडी बनाया था? नहीं, आईसिस ने हमारे साथ ये सब सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि हम उनकी नजर में
काफिर थे। उनकी नजर में तो हम अहले किताब भी नहीं थे। क्यों? इसलिए कि यजीदी मजहब आइसिस के मुताबिक सो कॉल्ड इब्राहिमिक मजहबों में से नहीं है। यजीदी मजहब एक सिंक्रेटिक मजहब है, यानी इसमें कुछ चीजें इस्लाम से ली गई हैं, कुछ क्रिश्चियनिटी से और कुछ ज़ोरास्ट्रियनिज्म से। आइसिस के नजदीक ये सबसे बड़ा पाप था कि हमने कैसे इस्लाम को इस तरह करप्ट किया। और फिर हमारे धर्म में हम एक फरिश्ते जिसका नाम मलिक ताऊस है उसे मानते हैं। हम ये मानते हैं कि मलिक ताऊस भी अल्लाह का फरिश्ता था, मगर आइसिस ये मानती है कि हम शैतान की पूजा करते हैं। बस यही वजह है। और इसी वजह से ऑटोमन एम्पायर में हम यजीदियों को बार बार टारगेट किया गया। कुछ 70 से ज्यादा हत्याकांड हुए हमारे साथ 18वीं और 19वीं सदी में। ऑटोमन्स हो या आइसिस, दोनों का बिलीफ सिस्टम एक ही था कि यजीदी इंसान ही नहीं है और उनके साथ भी वही करना चाहिए जो बनू कुरैज़ा के साथ नबी ने किया। हमारा कसूर हमारा धर्म था बस। मगर ये तो मुसलमान ही नहीं थे, आप यही कहेंगे ना? और अक्सर मोमिन भाई यही कहते हैं, ये तो यहूदी एजेंट थे, ये तो एक साजिश है, वगैरह वगैरह। अगर ऐसा है तो हमें इस्लाम में वो सब चीजें क्यों मिलती हैं जो ये लोग फॉलो करते हैं? क्या दुनिया का कोई मुफ्ती इन हदीसों और कुरान की आयतों के खिलाफ बोलता है जो कहती हैं शादीशुदा औरतों को गुलाम बनाना और उनसे बिना निकाह हमबिस्तरी जायज है क्योंकि ये लौंडी हैं? गुलाम बनते ही उस औरत की पहले वाली शादी नाजायज हो जाती है। जायज होता है तो सिर्फ इस्लामिक जिना, क्योंकि ये लौंडी हैं। इन औरतों को बेचा जा सकता है क्योंकि नबी ने तो अज़ल को मना किया, बेचने को नहीं, क्योंकि ये लौंडी हैं। इन्हें दिन में पीट कर रात में इनसे हमबिस्तरी जायज है क्योंकि रसूल ने बीवी के साथ ऐसा करने को मना किया, इनके साथ नहीं, क्योंकि ये लौंडी हैं। इनका कत्ल भी जायज है अगर ये नबी की नाफरमानी कर दें, भले ही इनसे आपके बच्चे भी क्यों ना हो, क्योंकि ये लौंडी हैं। इन्हें मुसलमान आजाद औरतों की तरह पर्दा जायज नहीं क्योंकि ये लौंडी हैं। इन्हें नबी के सहाबाओं की तरह हाथ लगाकर देखकर खरीदा जा सकता है क्योंकि ये लौंडी हैं। इनसे बिना कपड़ों के अपने घर के काम करवाए जा सकते हैं जैसे नबी के सहाबा करवाते थे क्योंकि ये लौंडी हैं। क्या इन हदीसों को इग्नोर किया जा सकता है सिर्फ उन चंद हदीसों की बिना पर जो कहती हैं कि इन्हें खाने और पहनने को वही दो जो तुम खुद खाते पहनते हो, या उन हदीसों की बिना पर जो कहती हैं कि इन्हें आजाद किया जा सकता है किसी बड़े गुनाह के बदले में, जबकि हमारे पास वो हदीस भी मौजूद है जो कहती है कि इनकी आजादी से बेहतर इन्हें अपने रिश्तेदार को तोहफे में देना है। मुझे इस्लाम से कोई दिक्कत ना होती और मैं आईएसआईएस के लोगों को मुसलमान भी ना मानता अगर इस्लामिक किताबें आईएसआईएस के खिलाफ लिखी होती, लेकिन कड़वा सच तो यह है कि यही मजहबी जंग करने वाले असल मुसलमान हैं जिन्हें अल्लाह भी बहुत चाहता है और जिनके लिए जन्नत का रास्ता भी सबसे आसान रखा गया है। इसके उलट वो मुसलमान जो मजहबी जंग नहीं लड़ता और खेती किसानी करता है, अल्लाह उनसे नाराज होता है क्योंकि अल्लाह को वो जिहाद सबसे ज्यादा पसंद है जिसमें जिहादी जख्मी हो जाए और उसके घोड़े को भी चोट लगे। सूरह मोमिनून की ये आयतें, अपनी असमतों की हिफाजत करो सिवाय अपनी बीवियों या उन लौंडियों के जो तुम्हारी मिल्कियत में हैं, उस सूरत में तुम ऐब से पाक हो, कायनात को बनाने वाले खुदा की आयत इस घिनौनी हरकत को जस्टिफाई करती है। ऐसी ही इंसानियत वाली आयतों को आईएसआईएस के मुफ्तियों ने अपनी मैगजीन में यजीदियों के रेप और मर्डर को जस्टिफाई करने के लिए यूज किया। जी हां, इन लोगों की अपनी मैगजीन भी चलती थी जिसका मकसद लोगों को कुरान और हदीस की सही तालीम देकर उन्हें अपनी फौज में भर्ती करना और अल्लाह की राह में जिहाद करवाना था। उनके हिसाब से क्योंकि यजीदी काफिर थे इसलिए उनके साथ वो सब करना जायज था जो हजरत मोहम्मद ने बनू कुरैज़ा के साथ किया।
जो कि आप मेरी सीरीज से भी समझ सकते हैं। यहां पर याद रहे कि इस्लाम के शुगर कोटेड वर्जन वाले इस्लामिक अपोलोजिस्ट हमेशा कहते हैं कि लॉन्डी सिर्फ उनको बनाया जाता है जो इस्लाम के खिलाफ जंग में हिस्सा लेते हैं, जबकि हदीसें और तारीखें कुछ और ही कहती हैं। और सबसे बड़ी बात कि 10 साल की समर ने कौन सी जंग की थी मुसलमानों के खिलाफ। सच तो यह है कि जब तक पूरी इस्लामी उम्मत इस चीज को एक आवाज के साथ कंडेम नहीं करती, ऐसी घिनौनी हरकतें होती रहेंगी। चाहे आप ये आर्ग्यूमेंट दें कि ये इस्लाम के नाम पे है या ये हकीकी इस्लाम है, समर की मासूमियत तो छिन गई ना। और फिर इस्लाम की शान कैरो की अल अजहर यूनिवर्सिटी की फीमेल स्कॉलर 7 साले खुद कह चुकी हैं कि काफिर का रेप जायज है। क्या किसी शुगर कोटेड वाले मुफ्ती ने इसका विरोध किया? 100 साले ने भी उसी आयत की जस्टिफिकेशन दी, मलकत अईमानोकुम या मिल्कल यामीन, यानी तुम्हारी मिल्कियत की गुलाम लौंडी। आखिर ऐसी आयत की क्या जरूरत थी? काश कि इस आयत की जगह साइंस या इंसानियत की बात होती। मगर ये वही कुरान है जिसको हिफ्स करने पर ISIS ने एक एक लौंडी तोहफे में देने का ऐलान किया था, और वो भी रमजान में। आज भी बोको हराम और अल शबाब नाइजीरिया और अफ्रीका के साहिल इलाकों में यही सब कर रहे हैं। और तालिबान जो अफगान बहनों और बेटियों के साथ कर रहे हैं, वो क्या किसी स्लेवरी से कम है? इस्लामिक अपोलोजिस्ट हमेशा कहते हैं ये तो उस वक्त की बातें हैं, इस्लाम ने तो स्लेवरी को खत्म कर दिया था। ये एक झूठ और बेतुकी बात है। अगर इस्लाम सबसे अफजल दीन या सिस्टम था तो फिर उसमें कोई भी पुरानी गंदगी नहीं होनी चाहिए थी। और अगर मान भी लिया जाए तो ये आज भी क्यों हो रहा है? और कहां है वो आयत या हदीस जिसमें इस्लाम ने इसे बैन कर दिया था? बहुत अफसोस होता है देखकर कि हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स आज भी स्लेवरी के कैंसर को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि खुदा की किताब में जो लिखा है वो गलत नहीं होता, इसे बदला नहीं जा सकता। बदलाव जब तक नहीं आएगा जब तक आप गलती को एक्सेप्ट ना करें। पूरी मुस्लिम उम्मा प्रैक्टिसिंग या नॉन प्रैक्टिसिंग की जिम्मेदारी है कि ऐसा फिर कभी ना हो। मैं एक्स मुस्लिम हूं, इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अब आपकी बारी है लॉन्डी और स्लेवरी को कंडेम करने की, बगैर किसी अगर मगर के। बात शुरू हुई थी यजीदी लड़कियों की कहानी से, तो इस बात को खत्म भी वहीं करते हैं। जो कुछ यजीदियों के साथ हुआ उसके बाद इराक की पार्लियामेंट में एक यजीदी औरत ने एक स्पीच दी, जिसका कुछ हिस्सा मैं प्ले करूंगा और बाकी पूरी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से देख सकते हैं। इसका हिंदी उर्दू ट्रांसलेशन आपको यूट्यूब सबटाइटल ऑन करने पर मिल जाएगा। سيد الرئيس نذبح تحت يافطة لا إله إلا الله سيد الرئيس لحد الآن 500 شاب ورجل يزيدي بالرئيس نساؤنا تسبى وتباع في سوق الرق رجاء أخوان سيد النائب الآن حملة إبادة جماعية على المكون اليزيدي سيد النائب نعم سيد الرئيس أنا ملتزمة رجاء السيد الرئيس أهلي يذبحون كما ذبح كل العراقيين ذبح الشيعة والسنة والمسيحيين والتركمان والشبك واليوم يذبح اليزيديين أخوان نحن نريد بعيدا عن كل الخلافات السياسية نريد تضامنا إنسانيا أنا أتكلم هنا باسم الإنسانية أنقذونا 48 ساعة 30,000 عائلة محصورة في جبل سنجار بدون ماء بدون أكل يموتون 70 طفل لحد الآن ماتوا من العطش والاختناق 50 شيخ مات من الوضع المتردي نساؤنا تسبى كجرايا جاريات وتباع في سوق الرق سيد الرئيس نطالب البرلمان العراقي بالتدخل الفوري لإنقاذ هذه المذبحة 72 حملة إبادة جماعية على اليزيديين والآن تكرر في قرن 21 نذبح
يمدين كامل على وجه الأرض. أخوان أنا أناشدكم باسم الإنسانية، باسم الإنسانية أن تنقذونا. سيد الرئيس أريد. شكرا جزيلا، شكرا جناب السيد عباس البياتي. نادي وابكي. شكرا. मैं जानता हूं कि इस दर्द को महसूस सब करेंगे, लेकिन इसके पीछे की वजह पर गौर करना कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए इसमें गलती इस्लाम की नहीं बल्कि कुछ टेररिस्ट लोगों की होगी। इनमें ज्यादातर लोग वो होंगे जो हदीसें और रिवायतों को नहीं मानते और अल्लाह की किताब कुरान को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन कुरानिस्ट होकर भी आप कुरान में दी गई घटिया स्लेवरी वाली आयतों को नजरअंदाज कर जाते हैं। ऐसे सभी लोग एक बात याद रखें कि इन चंद आयतों को नजरअंदाज करने से इस्लाम की सूरत नहीं बदल जाएगी। अगर इसी तरह आप छोटी छोटी बुराइयों को नजरअंदाज करके इस्लाम को पलने बढ़ने का मौका देंगे तो आप इन रिवायतों और हदीसों को भी पूरा मौका दे रहे हैं, जिसके नतीजे में 2014 में इंसानियत को यह सब झेलना पड़ा और आगे भी जरूर झेलना पड़ेगा अगर आप नहीं जागे। क्योंकि याद रखें कि इस्लाम ने स्लेवरी कभी बैन नहीं की। जब पूरी दुनिया में स्लेवरी 1865 में बैन हो गई थी तब भी सऊदी अरब और बाकी मुस्लिम कंट्रीज में ये इस्लाम की वजह से चल रही थी, और 100 साल बाद जाकर 1962 में ये इन्हें बैन करनी पड़ी, क्योंकि 1950 में यूएन का ह्यूमन राइट के बेस पर एक इंटरनेशनल लॉ आया था और उसके 12 साल के दबाव डालने पर यह बुराई इस्लामिक मुल्कों से खत्म हुई थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन इस्लामिक मुल्कों का कहना था कि गुलामी की प्रथा कुरान में है, उन्हीं चंद आयतों में जिनको आप इग्नोर कर देते हैं। तो मेरे वो मुस्लिम भाई जो अमन और शांति चाहते हैं, इस इस्लामिक गंदगी से बाहर निकलें। अब वक्त आ गया है कि हम इसे एक्सेप्ट कर लें कि जो भी हुआ उसके पीछे सिर्फ इस्लाम ही है। अगर आज भी हम इसे बचाएंगे तो ना जाने और कितने ISIS पैदा होंगे और कितनी बच्चियां ऐसे शैतानों की हवस का शिकार बनेंगी, कितनी बदायरा या समर बनेंगी। सच कड़वा होता है मगर आसान भी होता है। सातवीं सदी से निकले, लॉन्डी को डिफेंड करना छोड़ दें और इंसानियत को डिफेंड करें ताकि कोई भी लड़की समर ना बने। जय विज्ञान, जय इंसानियत।